हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अब्रॉड जॉब्स गाइड। गाइस, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो चीज़ के लिए वीडियो बना रहा है वो है, हम लोग जो फ्रेशर है होटल में अभी तक काम नहीं किया, वो लोग हम लोग क्या करता है, जो लोग काम नहीं किया वो लोग फ्रेशर होके अब्रॉड आना चाहता है, तो उन लोगों के लिए कौन सा पोजीशन सुइटेबल है, वो पोजीशन के बारे में मैं आप लोगों को बताएगा कौन सा पोजीशन सुइटेबल है। मतलब वो काम नहीं किया लेकिन वो होटल में आना चाहता है किचन के अंदर, तो उसको कौन सा पोस्ट में आना चाहिए, और अगर वो काम किया है तो कौन सा पोस्ट में आना चाहिए, वो अगर काम नहीं किया, अगर फ्रेशर है तो अगर कौन सा पोस्ट में आना चाहिए, उस पोस्ट के आने के बाद उसका कौन सा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आज आप लोगों को बताएगा। गाइज, जो सस्पेंस मैं पहले क्लियर कर देता है, क्योंकि आप लोगों को वो टैग देख के पता है, आज जो मेरा वो टैग है उसमें ही लिखा है, जो आज अगर फ्रेशर हो आप तो आप किचन में आना चाहते हो तो सबसे अच्छा है आप लोगों के लिए कॉमी 3 में आपका सुइटेबल होगा, क्योंकि आपको काम के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, तो आपको इधर आके कॉमी 3 बेस्ट आपके लिए। तो आज मैं कॉमी 3 में आने के बाद क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, आप पहली बार आ रहे हो किचन में, तो कॉमी 3 का जो आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं वो आज इस वीडियो में बताएगा। तो गाइस, ये आप अगर पहले से जान लो तो आपके लिए अच्छा होगा, आप आने के बाद आपको तकलीफ कम होगा, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा काम के बारे में। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करो, पूरा देखो, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अगर वीडियो अच्छा लगे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कॉमी 3 में आते हो तो फर्स्ट डे अगर आप किचन में एंट्री कर रहे हो तो आपका जो एग्जीक्यूटिव शेफ होता है वो आपको एक पोजीशन देगा, मतलब एक जगह पे काम करने के लिए बोलेगा। ये एग्जीक्यूटिव शेफ भी बोल सकता है, ये आपका शू शेफ भी बोल सकता है, कोई ना कोई आपको बोलेगा, आपको एक पर्टिकुलर प्लेस देगा, वो प्लेस में आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको बोलेगा आपको कटिंग में काम करना है तो आपको कटिंग में काम करना है, आपको किचन में डाला तो किचन में डालेगा, मतलब किधर भी आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पहले वो लोग आपके लिए चूज़ कर देगा। ऐसा नहीं होगा आप कॉमी 3 में आया मतलब आपको काम के बारे में नॉलेज नहीं है, आप इधर थोड़ा काम किया, उधर थोड़ा काम किया, आज इधर काम किया, ऐसा नहीं होता है। आपको आपका शू शेप जो होता है वो आपको एक प्रॉपर जगह पे काम करने के लिए बोलेगा, उसके बाद आपको वो जगह पे काम करना होगा उस तरीके से, जिस तरीके से उन लोग बोलेगा उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक जगह पे काम में सेट हो गए, तो क्या क्या काम आपको कॉमी 3 में करना होगा। पहले आप होटल में आए हो, आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, आप जो देखोगे आपके लिए पहला लगेगा, तो आपके लिए क्या क्या चीज़ जो करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो वेजिटेबल आता है, आप दूसरी जगह से जब वेजिटेबल आता है वो वेजिटेबल को आपको वॉश करना होगा, आपको वॉश करना आपका काम है, उसको वॉश करने का करने के बाद अच्छी तरह से सैनिटाइज करना, कैसे सैनिटाइज करता है वो भी अपना का काम है। उसके बाद उसको कटिंग करना, पहले आपको कटिंग नहीं दे सकता है, पहले आपको ओनियन पीलिंग, बहुत सारा ओनियन आता है होटल में, कैटरिंग में या रेस्टोरेंट में ओनियन मैंडेटरी होता है, कोई भी खाने में ओनियन जाता है, तो ओनियन बहुत सारा ओनियन होता है उसको पील करना पड़ता है, तो वो ओनियन आपको पील करना हो सकता है। और गार्लिक होता है, गार्लिक का जो छिलका होता है वो भी आपको क्लीन करना हो सकता है, ऐसा बहुत सारा सामान है, वेजिटेबल है जो आपको रिसीव करना पड़ता है। तो इधर से आपको क्या नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा वेजिटेबल का नाम आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको वेजिटेबल के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप जब बाहर इंडिया से बाहर आओगे या नेपाल से बाहर आओगे या बांग्लादेश से बाहर आओगे आपको उतना वेजिटेबल के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, क्योंकि इधर बहुत सारा वेजिटेबल आपको पहली बार देखा है ऐसे लगेगा, क्योंकि बहुत सारा वेजिटेबल है आप पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, इधर आने के बाद आपको देखना पड़ेगा। तो वेजिटेबल के नाम आपको पता चलेगा, वेजिटेबल का नाम क्या है, उस वेजिटेबल का लुक्स क्या है आपको पता चलेगा, उस वेजिटेबल का फ्लेवर क्या है आपको पता चलेगा। तो ये धीरे धीरे करके आपको काम के बारे में नॉलेज होगा, इसलिए आपको ये सेक्शन में आप लोगों को पहले डालता है आपका शू शेप या आपका एग्जीक्यूटिव शेप जो होता है, ये सब जगह पे आपको पहले डालता है, क्योंकि आपको पहले चीज़ के बारे में नॉलेज हो, कौन सा चीज़ का क्या नाम है, क्या करता है, कैसा फ्लेवर है, कैसा दिखने में है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो सेकेंड थिंग, आपको स्टोर लेके आ सकता है, आप स्टोर लेके आ सकते हो, मतलब आपका काम होता है आपका जो होटल का जो कोई भी खाना बनेगा उसके लिए आपको स्टोर लेके आना पड़ता है, मतलब मसाला वगैरह और ऑयल वगैरह कुछ भी है वो कॉमी 3 का काम है, तो आपको वो सामान स्टोर से उठा के किचन के अंदर लेके आना हो सकता है, ये काम आपका है। तो
ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब काम आपका है। ये काम करने के बाद आपको जब थोड़ा बहुत मसाला के बारे में नॉलेज होगा, क्योंकि मसाला के बारे में हम लोग इंडिया में हम लोगों को नॉलेज है, लेकिन हम लोगों को हर मसाले का इंग्लिश नाम नहीं पता है। लेकिन आप जब एब्रॉड आओगे, जब इंडिया छोड़ के, नेपाल छोड़ के, बांग्लादेश छोड़ के जब आप एब्रॉड के लिए आओगे, तब जो मैं वेजिटेबल का नाम बोला, मसाला का नाम बोला, वो सब इंग्लिश में आपको जानना पड़ेगा। कोई भी मसाला को आपको इंग्लिश में इधर बोलता है तो आपको पहले वो नॉलेज में आएगा, कौन सा मसाला, कौन सा वेजिटेबल को इंग्लिश में क्या बोलता है, तो आपको प्रॉपर नॉलेज आएगा मसाला वेजिटेबल सब कुछ को इंग्लिश, पहले इंग्लिश नेम क्या है उसका, तो आपको वो जानना पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे करते करते वो सीख जाओगे। आप जब थोड़ा सीख जाओगे उसके बाद आपको कटिंग में, प्रॉपर कटिंग में आना पड़ेगा। तो प्रॉपर जब आप कटिंग करोगे तो पहले आपका नाइफ पकड़ना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपका अभी नहीं काम नहीं किया, अब पहले कॉमी थ्री में आ गए, तो आपके लिए नाइफ पकड़ना मुश्किल है। उस टाइम पे आपको आपका जो सीनियर है वो आपको दिखाएगा कैसे नाइफ पकड़ता है, क्या क्या होता है, वो आपको दिखाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे आप स्किल्ड हो जाओगे। उसके बाद आप जब किचन में आओगे, मतलब आप कॉमी थ्री में ही हो लेकिन किचन के अंदर आया, तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पहले जो आप जो शेप के अंदर काम कर रहे हो, मतलब एक शेप के अंदर आप काम करोगे, तो वो शेप जिधर काम करेगा वो जो एरिया होगा प्रॉपर तरीका से आपको क्लीन करना पड़ेगा वो जगह। थोड़ा भी एक पिंज भी उधर डस्ट या मैला नहीं रहना चाहिए, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीज़ आपका जिम्मेदारी है, वो आपका सीनियर है, वो काम करेगा, वो जगह को आपको बोलने से पहले वो जगह अच्छे से क्लीन होना चाहिए, ये आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक चीज़ आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा, प्रॉपर टैग। आपका जो सीनियर है, ये सीनियर का काम नहीं है, आपका उस चीज़ में फोकस करना पड़ेगा, कौन सा डेट, कौन सा कब एक्सपायर होगा, कब होगा, वो चीज़ भी आपके अंडर में आता है, आप प्रॉपर उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो चीज़ है वो है, आपको जो शेप के अंडर पे काम करने के लिए दिया है तो आपको प्रॉपर रेसिपी फॉलो करना है। अगर शेप आपको जो रेसिपी, हर एक खाने का एक रेसिपी होता है, तो रेसिपी में कौन सा चीज़ डाला लिखा हुआ है, वो चीज़ के छोड़ के आपको कुछ भी मत डालो उस रेसिपी में, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ये चीज़ आपको मन किया डाल दिया, तो ऐसा नहीं होता है। आप पहली बार इधर आए हो, फ्रेशर हो, आपको काम के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो आप कुछ भी डालो तो पहले शेफ को पूछो, उसके बाद खाने में कुछ डालो, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके वजह से आपको पनिशमेंट भी हो सकता है, कुछ आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये चीज़ मत करो, कुछ भी सामान डालने से पहले आपको शेफ को, जो आपका जो सीनियर है उससे पहले पूछ लो, उसके बाद आप सामान डालो। पहले रेसिपी फॉलो करो, कोई भी रेसिपी जिधर जो रेसिपी है वो रेसिपी छोड़ के कुछ भी खाने में मत डालो, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ आपको, ये और भी थोड़ा थोड़ा आप जब काम करोगे एक जगह पे, काम करते करते बहुत बहुत चीज़ का आपका नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आप जब थोड़ा आपको लगेगा आप सुइटेबल हो गया वो काम पे, क्योंकि एक आदमी अगर एक जगह पे काम करेगा थोड़ा दिन काम करने के बाद, वो आदमी वो काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाता है, तो उसके बाद उसके ऊपर उसका जो सीनियर होता है थोड़ा भरोसा करता है, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आता है। तो उसके बाद आप अगर आपको आपका शेप जो है, आपका सीनियर जो है, उस वो अगर आपके ऊपर थोड़ा भरोसा आ गया, तो आप थोड़ा थोड़ा करके, मतलब कुछ खाने बनाने के लिए आपको ऑर्डर मार सकते हो, कुछ बनाने के लिए आपको बोल सकता है, तो शेप गाइड करेगा। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके ऊपर आओगे। ये है एक किचन हेल्पर का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भी आप बहुत जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को होता है, तो वो धीरे धीरे करके आपको काम करते करते पूरा फोकस आ जाएगा और आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा, कौन सा काम क्या क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो पहले ही इतना नहीं आता है, धीरे धीरे आ जाता है। तो गाइज, आज के वीडियो में ये इस तरह ही। तो नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करेगा, तो आप नया वीडियो लेके आएगा, ज़्यादा लेट नहीं करेगा, कल परसों के अंदर ही लेके आएगा। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, यू गाइज ऑलवेज फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओनली 1 सेकेंड नीड फॉर सब्सक्राइब। हाँ, आप लोग एक सेकेंड चाहिए, ओनली एक सेकेंड के लिए जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एक लाइक मारो, और वीडियो कैसा हुआ, मैं क्या गलत बोला या कुछ नया कुछ आप लोगों को पता है तो कॉमेंट सेक्शन में बताओ, ये चीज़ है, तो मेरे को भी अच्छा होगा, मेरे को पता चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।